नगर पंचायत झिंझाना में ये एक शॉप है जहाँ पर कुछ कस्टमर लोग बैठे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का मूड क्या है। वेलकम सर, अपना नाम बताइए और नगर पंचायत झिंझाना में क्या माहौल है चुनाव को लेकर। मेरा नाम है विनोद कुमार रोहिला, झिंझाना। क्या माहौल चुनावी माहौल है इस टाइम तो? अच्छा, किसका जोर है यहाँ पर नगर पंचायत में? नगर पंचायत में देखो, सामान्य में अगर हमारे आशीष मित्तल जी हैं यहाँ पे, और भाई पिछड़े वर्ग में सुरेश पाल कश्यप जी हैं लाइन में, राकेश सैनी जी हैं। अच्छा, लाइन में है। लाइन का मतलब क्या है सर? मतलब इनको आवेदन जा चुका है सिंबल के लिए भाजपा में। अच्छा, रुझान क्या है सर पब्लिक का और आपका? सर रुझान तो देखो सामान्य में है तो फिर हमारे मित्तल साहब है ही। आप बताइए सर। हमारे भी आशीष मित्तल जी हैं। क्यों भाई? वे एक 10-12 साल से हम लोगों के बीच में है, व्यापारियों का साथ दे रहे हैं हर तरह से अड़के। तो आप व्यापारी हैं? जी हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ। तो आप इस इलेक्शन को अपने मुफादी नजरिए से देख रहे हैं या एक सार्वजनिक नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, दोनों तरह से। कैसे सर बताइए? सार्वजनिक तरीके से भी हमारे आशीष भाई का ही रुझान है पूरा सबका, और हमारा भी। आप क्या कहेंगे सर तस्दीक के लिए, बताइए कि मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलेक्शन की नगर पंचायत झिंझाना में क्या अहमियत है सर? दोबारा सर, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आप, माहौल क्या है इस वक्त चुनाव को लेके? देखो, इलेक्शन टाइम पर इलेक्शन बहुत अच्छा होगा, जिससे बहुत अच्छा इलेक्शन होगा और सामान्य में चिटाने से और अच्छा होगा। अच्छा, कितने कैंडिडेट खड़े हैं और कौन से कैंडिडेट का जोर यहाँ पर है सर? ये तो अभी मालूम नहीं हो पाएगा, इतना सिंपल नहीं आता। आपका क्या रुझान है सर? आशीष मित्तल। क्यों सर? वह हमारे वह हैं, मतलब जो व्यापारियों के साथ रहते हैं हर टाइम समय, व्यापारी साथ रहते हैं। आप क्या कहेंगे? मास्टर जी बहुत बढ़िया हैं जी, आशीष मास्टर जी। मास्टर जी बहुत बढ़िया हैं जी। आप क्या कहेंगे सर? अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। जी, आप क्या कहेंगे सर? वह अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। देखो, जो है ना, जिसका दौर होगा उसी को वोट दिया जाएगा। जिताना है हमें तो किसी भी आदमी को, जो जीतता होगा उसी को जिता पाएंगे। आप बताइए सर। वेरी गुड मास्टर जी। वेरी गुड मास्टर जी। तो ये सभी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बात बता रहे हैं। तो एक सवाल और जानने की कोशिश करते हैं सर आपसे। आप ये बताइए कि आशीष मित्तल जी, मित्तल एक ऐसा सरनेम है जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी मैच नहीं करता, फिर आपकी जबान पे मित्तल क्यों है सर? क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ। किस तरह के सामाजिक कार्य किए हैं? कोई भी मतलब किसी भी तरह की परेशानी व्यापारी होती है एकदम साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा सर, नगर पंचायत झिंझाना में व्यापारी तबका, टोटल व्यापारी तबके की आप बात कर रहे हैं या कुछ खास लोगों की बात कर रहे हैं सर? मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। नगर पंचायत झिंझाना में यहाँ पर एक चौपाल सजी हुई है, कुछ लोग सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि रिजर्वेशन हो चुका है ये सभी जानते हैं, इस और इलेक्शन की चुनाव की सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। बात करते हैं सर, अपना नाम बताइए और यहाँ पर जो भी बातचीत चल रही है किस पर्पज़ से आप यहाँ बैठे हैं सर? मेरा नाम अली खान है और पर्पज़ ये है कि जो हमारे मास्टर जी हैं आशीष मित्तल जी, एक बहुत अच्छे इंसान है, गरीब अमीर की साथ में सबके साथ में है। ये कौन है आशीष मित्तल जी, जरा इनका खुलासा कीजिए। ये चेयरमैन है फिलहाल, जो उम्मीदवार है। अच्छा जी, और रात दिन ये हम किसी टाइम इनको फ़ोन करें वैसा करें बुलावें तो ये तुरंत हाजिर है हमारे साथ में। यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो आशीष मित्तल जी के बारे में चल रही है। जी जी, वो आशीष जी के बारे में चल रही है। आप क्या जानते हैं उनके बारे में सर? अच्छे लोग हैं बहुत, और व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ के। अच्छा, वो है उनका मतलब जो भी है। अच्छा, व्यापारियों के हक में ज़्यादा उनका रुझान रहता है या सभी आम और जन, आम और खास जन के लिए रहता है? नहीं, सभी के लिए है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये है जी, आप बताइए सर। हम तो सर जब से इनको जानते हैं आशीष मित्तल जी को, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मान सम्मान करने में भी वैसे भी, और ये अब झिंझाना से उम्मीदवार हैं। अच्छा, उनके अलावा दूसरे कैंडिडेट आपको कैसे लगते हैं? ये देखो, देखने में तो सभी अच्छे हैं लेकिन हमें इनमें कुछ अच्छाई दिखी। प्रैक्टिकली जी, क्या अच्छाई नज़र आई है? अच्छाई ये आई हमें नज़र, एक तो ये जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, रात को, सुबह को, शाम को, और जब भी इनमें मतलब कोई भी केस हो या कोई वैसा हमदर्दी बात हो, मान लें किसी भी वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आशीष मित्तल जी पढ़ा लिखा इंसान है और हर चीज़ से साधन संपन्न से मजबूत। पढ़े लिखे तो यहाँ नगर पंचायत झिंझाना में बहुत हैं। नहीं, इनके मुकाबले नहीं है। और फिर इनमें एक जज्बा है इंसान, इनकी खिदमत करने का, समाज की। इस तरह का जज्बा है, किसी का कोई भी काम हो उसमें यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम को करावें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सही है, आदमी बढ़िया है, उनके साथ है। और आप?
जी बहुत बड़े आदमी हैं आशीष मित्तल जी, और क्या नाम समाज के सेवा में अंतरिम खड़े रहे। अच्छा, उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है ये बताइए। साफ सुथरा है, कोई नहीं है, साफ सुथरी छवि का आदमी है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। अजी हम तो उनको बचपन से जानते हैं, उनके स्कूल में पढ़े भी हैं, और उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। वे चाहते हैं कि अगर हम जीत जाएं तो लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए एक अलग से पार्क वगैरह शाम के लिए। तुम्हारी उनसे कभी गुफ्तगू हुई है इस टॉपिक पे? हुई है, स्कूल में भी मैं करते रहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अलग से बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए घूमने के लिए शाम को टहलने के लिए अलग पार्क बनाएं। उनकी सोच बहुत अच्छी है। आपका क्या कनेक्शन है सर उनसे, आप बताइए। उनसे कनेक्शन ये है, वे हमारे भाई की तरह हैं। जो आदमी दुख तकलीफ है साथ में काम में खड़ा तो वो भाई की तरह हो गया है। ये आपका पर्सनल नज़रिया है या सोशल या सामाजिक नज़रिया है? नहीं नहीं, वे सबके लिए इस तरह हैं। उनके पास कोई भी चला जावे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी डे हम जाओ, रात हो दिन हो, कोई दिक्कत नहीं इस तरह की। सर आगे आइए और बताइए। और ये जो जितने भी यहाँ शख्स बैठे हैं सभी एक शख्स की ही बात कर रहे हैं, आशीष मित्तल की, कहीं ये प्लानिंग तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको हम सब जानते हैं, इनमें से बच्चा जाने उनके सामने सब ये जवान हुए बच्चों को ऐसी बात नहीं है। सर हम गुजर रहे थे, आपने हमें यहाँ पर कॉल करके बुलाया है, और सडनली हम लोग आए हैं और आपने बोला है कि सियासी मीटिंग यहाँ पर चल रही है नगर पंचायत झिंझाना को लेकर, लेकिन सभी की जबान से एक नाम निकल रहा है, तो हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने प्लानिंग के तहत इनको बुलाया है। इसके थोड़ा अच्छा नाम उसी के लिए निकलेगा इंसान जो सही होगा, कोई वैसे निकलने का नहीं। सब तरह की दुनिया है, जो अच्छा होगा अच्छा कहा जाएगा, बुरा होगा बुरा कहा जाएगा। तो आपका सपोर्ट किधर है अल्टीमेटली ये बताइए सर। तो फिलहाल तो मास्टर के साथ में और इन्हीं के साथ में रहेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगे, और आप भी आगे आइए बताइए क्या कहना चाहते हैं। आशीष मित्तल जी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब ने एक ही नाम किया है, एक ही नाम उनकी जबान पर है, उनके होठों पर है, बाकी इनकी बात में और इनकी जबान पे कितनी सच्चाई है ये तो वक्त और समय बताएगा।